नमस्ते एवरीवन आज हम डीएबी क्लास सेवन इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर टू द सेंटेंस को आगे बढ़ा रहे हैं पिछले वीडियो में वर्कशीट नाइन तक नाइन का ए हुआ था आज वर्कशीट नाइन का बी और इससे आगे होगा नाइन के बी में क्या है रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो यूजिंग अ पेन इंसर्ट कैपिटल लेटर्स कॉमर्स फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स वेरेवर रिक्वायर्ड पेन का यूज करना है और पेंसिल का या पेन का यूज़ करना है और इसमें इस पैसेज में, इस में जो है जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर होगा वहाँ कैपिटल लेटर जहाँ कॉमा होगा वहाँ कॉमा देंगे फुल स्टॉप होगा फुल स्टॉप देंगे क्वेश्चन मार्क कहीं छूटा होगा क्वेश्चन मार्क दे देंगे ठीक है यहाँ पे हम इसको बना दिए हैं इस तरह से इसको देख के समझ लेना है जैसे पहले में है ही वॉज़ अ टॉल मैन ठीक तो ही अब ये सेंटेंस की शुरुआत है किसी भी सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे एच को कैपिटल कर देंगे तो हम यहाँ पे एच को अंडरलाइन कर दिए हैं और उसके ऊपर लिख दिए हैं एच नहीं तो ही वॉज अ टॉल मैन हु वॉज ऑलवेज डिस्ट्रेस्ड इन हु वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन ब्लैक ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया फुल स्टॉप हो गया जब कोई स्टेटमेंट एसर्टिव सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं अब ये दूसरा सेंटेंस जैसे शुरू हुआ है तो यहाँ पे एच कैपिटल हो जाएगा तो ही हैड एन अनयूजल फेस यहाँ पे फिर फुल स्टॉप हो गया है फुल स्टॉप को पुट करने में वो नीचे खिसक गया है इट के नीचे फुल स्टॉप दिख रहा है उसको फेस के बाद लगा लेना तुम अपने बुक में उसके बाद यहाँ पे फिर इट से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो ये क्या है आई इट है तो इट में आई कैपिटल हो जाएगा तो उसको कैपिटल कर दिए हैं तो ये हो गया इट वॉज वेरी पेल विद अ लॉन्ग वेल शेप्ड नोज कॉमा कोल्ड रेड आईज एंड अ थिन माउथ फिल्ड विथ पॉइंटेड टीथ यहाँ सेंटेंस पूरा हो गया फिर यहाँ शुरू हो रहा है तो एज कैपिटल हो जाएगा ही हैड लॉन्ग शार्प फिंगर नेल्स एंड हिज ब्रेथ स्मेल टेरिबल यहाँ फिर सेंटेंस कंप्लीट हुआ फुल स्टॉप दे देंगे अब यहाँ पे शुरू हो रहा है तो W कैपिटल हो जाएगा वेन ही सॉ ब्लड कॉमा अ strange हंगरी लुक खेम इन टू हिज Full फुल स्टॉप ये कंप्लीट हो गया फिर एच कैपिटल हो जाएगा हिज आईज शोन रेड एंड ही बिगेन टू शेक फुल स्टॉप फिर आफ्टर में ए कैपिटल हो जाएगा आफ्टर ही है ड्रंक ब्लड कॉमा हिज फेस बिकेम टॉलर देन usual. फुल स्टॉप ये भी हो गया अब अगला सेंटेंस में सी कैपिटल हो जाएगा कैन में कैन यू गेस हु दिस मैन वॉज और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा तो ये हो गया कंप्लीट अब वर्कशीट टेन देखना है वर्कशीट टेन में क्या है रीड दिस सेंटेंसेस यहाँ चार सेंटेंसेस है इसको पढ़ेंगे हाउ डेयर यू और एक्सक्लामेशन मार्क लगा है लुक आउट यू आर गोइंग टू फॉल यहाँ पे भी एक्सक्लामेशन मार्क लगा लास्ट में वॉट अ पिक्चरेस्क व्यू अब यहाँ पे भी एक्सक्लामेशन मार्क लगा है और फोर में यू कॉट डू दैट यहाँ भी क्या एक्सक्लामेशन मार्क लगा है तो नोटिस द एक्सक्लामेशन मार्क ये सिंबल है इसका इसको एक्सक्लामेशन मार्क कहते हैं एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस ठीक है sentence, इसको नोटिस करो और रिमेंबर में क्या लिखा है एन एक्सक्लामेशन मार्क इज यूज इन स्टीड ऑफ अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू शो दैट

बोलते हैं उसको शो करते हैं दिखाते हैं तो वहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लग जाता है रिटर्न में ठीक है नीचे है इट कैन बी यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन फॉर एग्जाम्पल हेल्प इस तरह से हम बोलते हैं इट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर एम्फेसिस नो यू कांट गो देयर है ना? तो इस तरह से इसका यूज है एक्सक्लामेशन मार्क का आगे फिर कुछ एक्सरसाइज है उसको बनाते हैं कहाँ कहाँ क्या लगेगा अब वर्कशीट टेन के बी नंबर में है वॉट डू यू थिंक दीज पीपल आर सेग राइट योर आंसर्स इन द बबल्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू अब यहाँ पे ये सब तस्वीर दिया हुआ है इस तस्वीर को देखना है और अपने मन से कोई भी पॉसिबल सेंटेंस लिखना है ठीक है किसी भी तरीके का स्टेटमेंट में हो क्वेश्चन में हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो कुछ भी इसको देखते हुए हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिविजुअल प्रैक्टिस होगा तुम लोग खुद से बनाना क्योंकि ये डटाने का चीज़ तो है नहीं समझाना है याद कराना है इसलिए हम लिख भी इसमें तो क्या फ़ायदा अपने से इसको लिखना नहीं होगा तो फिर बोलना हम व्हाट्सएप पे तुम लोगों को भेज देंगे बना करके अब आते हैं वर्कशीट एलेवन पे वर्कशीट इलेवन पे आते हैं ये क्या है पुट अ फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लानिशन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज वेन रिक्वायर्ड यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है लेकिन इसमें तुम्हारे बुक में छोड़ दिया यहाँ तो हम भरे हुए हैं तुम्हारे बुक में फुल स्टॉप कॉमा क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क ये छोड़ दिया गया है तो इसको भरना है अपने मन से अब यहाँ पे है आई लव सी साइड ये सिंपल सा सेंटेंस है आई लव सी साइड कुछ भी हमको पसंद होता है आई लव फिश आई लव कुछ भी फ्लावर्स इसी तरह से यह भी एक स्टेटमेंट है आई लव सी साइड और यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगा देंगे दूसरा है व्हाट आर यू डूइंग ठीक है ये क्वेश्चन है यहाँ पे हम जो सवाल कर रहे हैं उसका सामने वाला आंसर देगा कि मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ ठीक है तो इसलिए ये सवाल हो गया व्हाट आर यू डूइंग तो यहाँ पर क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तीसरा है हैप्पी बर्थडे ग्रैंड मा अब ये जो है खुशी इसमें क्या है हैप्पीनेस है और ये सडन फीलिंग्स है हम स्ट्रांगली इसको जो है सो so, एक्सप्रेस करते हैं अपने ग्रैंड माँ को हैप्पी बर्थडे कहते थे हैप्पी बर्थडे कॉमा और ग्रैंड माँ उसके बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगा देना है फोर में है दिस इज़ माई फ्रेंड एम अब यहाँ पे स्टेटमेंट है किसी को हम अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे इसलिए दिस इज़ माई फ्रेंड कॉमा देंगे उसके बाद उसका नाम देंगे फिर फुल स्टॉप लगा देंगे ये हो गया आगे अगले पेज पर और है बनाते हैं उसको भी ठीक है अब इस भी इस पेज पे है पाँचवें नंबर में है दैट इज रेडिक्युलस ये हास्यास्पद होता है कोविजीज तो तुम यहाँ पे कहते हो दैट इज रेडिक्युलस ये जो है एक्सक्लामेट्री सेंटेंस है एक्सक्लामेशन है यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सक्लामेट्री होता है इसलिए हम यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लगाए हैं सिक्स नंबर में है वॉट अ टेरिबल साइट अब यहाँ पर तुम जो है अपना हेट्रेड एक्सप्रेस करते हो तो इसमें भी क्या करेंगे हम लगा देंगे एक्सप्लानिशन मार्क व्हाट अ टेरिबल साइट सेवन में है वेर इज इट अब ये एक सवाल है कहाँ है यह कहाँ है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया एक नंबर में है आई विश आई कुड गो आउट टू प्ले ये जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में स्ट्रांग विश होता है हम विश के लिए कर्स के लिए ब्लेसिंग्स के लिए हम इसका यूज़ करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को कई तरीके से लिखा जाता है इसमें तो हम सिंपली ये ये तुम्हारे बुक में ही मिल जाता है तुम एट के प्रैक्टिस बुक में देख लो इसमें भी कहीं कहीं देख लो कि इस तरह से होगा आई विश करके इस तरह से सेंटेंस होगा तो ये सीधा सीधा आई विश आई कुड गो आउट टू प्ले यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया ठीक है बस सीधा सीधा उतार दिए स्टेटमेंट की तरह भी ये हो जाता है और इसको हम एक्सप्लामेटरी सेंटेंस की तरह भी यूज कर देते हैं जैसे ऊपर देख लो स्क्रीन के ऊपर हम दो और एग्जाम्पल एट क्लास मतलब एट नंबर का बना दिए हैं पहले में आई विश कोमा दे देंगे आई कुड गो आउट टू प्ले और एक्सक्लामेशन मार्क दे देंगे दूसरा इस तरह तीसरा इस तरह से भी बना सकते हैं आई विश आई कुड गो आउट टू प्ले और लास्ट में ही एक्सक्लामेशन मार्क लगा देंगे तो इसका कई एग्जाम्पल है तुमको पूरे किताब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से मिल ही जाएगा ठीक नाइन नंबर का है नाइन नंबर में है ही इज़ अ गुड फ्रेंड ये स्टेटमेंट है इंट्रोडक्शन है यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिए और ये लास्ट वाला है आर यू क्रेजी ये सुनने में लगता है कि यश नो क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन तभी होगा जब वो जवाब दे कुछ उसका जवाब दे हाँ या ना में ये यश नो क्वेश्चन है तो हाँ या ना अब किसी से तुम कहोगे क्या तुम पागल हो तो वो कहेगा कि हाँ या ना तो ये एक गुस्सा है तुम्हारा स्ट्रांग जब किसी से तुम परेशान हो जाते हो किसी के हरकत से तो तुम उससे उससे ये बोलते हो अपना गुस्सा एंगर सडन एंगर स्ट्रॉ एंगर दिखाने के लिए इस तरह का सेंटेंस तुम कहते हो आर यू क्रेजी ठीक है तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क ही लगता है अब आते हैं डू इट योर में क्या है डू इट योर में ये जो है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ये तुम लोगों के एग्जाम में भी आता है क्या है लुक एट द वर्ड्स फ्रेज गिवन बिलो दे आर इन अ अम्बल्ड ऑर्डर रीअरेंज देम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस वन हैज बिन डन फॉर यू पहला बना दिया गया है क्या है आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब ठीक है एक ये क्लब है उसका नाम है अब यहाँ से हम लोगों को बनाना है तो यहाँ दिया है बड़ा लंबा चौड़ा दिया है अरेंज करने में थोड़ी परेशानी होगी लेकिन वो कर चुके हैं तुम इसको देख लो है इट्स मेबरशिप द रूल्स इट्स मेम्बर्स आर वॉट फॉर एंड ये है तो हम बना दिए वॉट आर द रूल्स फॉर इट्स मेम्बर्स एंड इट्स मेम्बरशिप सी नंबर का बन गया है तुम लोग इसको रोक करके भी देख लेना समझ लेना बुक में उतार लेना सी नंबर का है ओ आठ देर टू मैनी रूल्स ओ लिखेंगे एक्सप्लानिशन मार्क लगाएंगे फिर कैपिटल से शुरू करेंगे आर्ट देर टू मैनी रूल्स क्वेश्चन मार्क कैपिटल से इसलिए शुरू करेंगे आर को आर्ट को क्योंकि फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सप्लानिशन मार्क लगने के बाद वह सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद कुछ भी शुरू होगा तो वो कैपिटल से शुरू होगा डी नंबर में है इज देयर एनी थिंग मोर यू वुड लाइक टू नो ठीक अब इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है इज देयर एनी थिंग यू लाइक टू नो मोर लेकिन हम इसी तरह से ज़्यादा हमको सुटेबल लगा इसलिए यहाँ पे बनाए हैं इज देयर एनी थिंग मोर वुड लाइक टू नो ई नंबर में है मेम्बर्स मस्ट नोट गिव और लैंड देयर मेम्बरशिप कार्ड्स टू नॉन मेंबर्स एफ नंबर में हो गया मेम्बर्स हैव टू वेयर सुटेबल क्लॉथिंग फॉर एवरी इवेंट और जी में है इफ़ एनी वन विशेज टू ज्वाइन द क्लब शी हैजू बी सपोर्टेड बाई टू मेंबर्स ये हो गया कम्प्लीट अब यहाँ इस पेज पर पे पिक्चर दिया हुआ है डू इट योर सेल्फ का दूसरा सवाल है ये पिक्चर दिया हुआ है इस तरह से और पिक्चर में जो जो शो हो रहा है जो जो दिख रहा है उसी चीज़ के बारे में दो लड़के बातचीत कर रहे हैं आपस में ठीक है यहाँ पे देख लो ये नंबर तुम्हारे पास बुक होगा उसको भी देख लेना यहाँ भी ऑब्जर्व कर लो क्या 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 है और यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है इसी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए दोनों आपस में ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर के बारे में इस स्थान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों मिलकर इसको डिस्कस कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से इसको डिस्कस किया जा सकता है किसी भी तरीके से सुटेबली सेंटेंस को फॉर्म किया जा सकता है यहाँ पे कुछ हैंट्स दे दिया कि आप ये सब ये सब ये सब वर्ड्स सब, सब यूज़ कर सकते हैं नंबर ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे जैसे फोर है एट है तो फोर और एट के लिए फ़ोर को केब्स कहा एट को फॉरेस्ट कहा इसी तरह से जो है टू है यहाँ सब सबके लिए लुक आउट पॉइंट है नहीं हिल्स है वाटर फॉल्स है फ्रेश वाटर सब इस तरह से सब दिया गया है यहाँ पे हम देखते हैं तो ये एक नंबर है ऊपर में फाइव नंबर है जहाँ पे उसके लिए क्या दिया है और फिर सेवन नंबर है जैसे डॉल्फिन के लिए यहाँ पे क्या दिया तो सेवन नंबर डॉल्फिन और फाइव नंबर के लिए सीगल्स दिया है तो ये सारा है सिक्स नंबर के लिए जो है कैश्ट दिया है कैशल इस तरह से यहाँ पे अब बातचीत चलती है और दोनों में कॉन्वर्सेशन होता है अब यहाँ पे है क्या है लेट्स लुक एट दिस मैप अब इस मैप को देखना है और इससे इसके से इसको ज़्यादा डिस्कस करना है इट्स अ मैप ऑफ़ द ट्रेविला आइलैंड लोकेटेड इन द पैसिफिक तो सुजाता बोलती है कि इट्स रियली इंटरेस्टिंग वोट्स दैट इन द मिडिल ऑफ द आइलैंड ये मिडिल ऑफ द आइलैंड में क्या है तो आंसर राघव का लिख दिए यहाँ पे इन इन द मिडिल ऑफ द आइलैंड इज अ कैशल हो गया इस तरह से इट लुक्स कैन वी गेट फ्रेश वाटर हियर तो हमें यहाँ क्या फ्रेश वाटर मिल सकता है ये किसी भी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है तो हम इसी तरह से बना दिए हैं ओ यस देर इज अ वाटरफॉल इन द साउथ ईस्ट अब यहाँ पे है वॉट आर दोज नंबर फोर एंड एट ये फोर और एट जो नंबर दिया गया है वो क्या है तो इसके लिए बना लिए हैं सुजाता कहती है दे आर केव्स एंड फॉरेस्ट रिस्पेक्टिवली ठीक है मतलब जो है पहले जो फोर नंबर है वो केव्स है और जो एट नंबर का है वो फॉरेस्ट है अब राघव बोलता है देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्रिएचर्स इनहेबिटिंग द फॉरेस्ट आई गेस वॉट डू यू सी अबाउट इट यस सुजाता बोलती है ये द मैप इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सीगल्स ऑन द आइलैंड डॉल्फिन आर सोन टू बी नियर द सी बीच तब फिर राघव बोलता है डू यू थिंक द आईलैंड इज विजिटेड बाई पीपल सुजाता बोलती है आई कैन सी टू शिप्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द आईलैंड सो आई थिंक पीपल मस्ट बी विजिटिंग इट ठीक है इस तरीके से किसी भी तरीके से सुटेबली क्वेश्चन फ्रेम करना था और आंसर देना था मतलब किसी भी तरह से ये दोनों जो राघव और सुजाता है इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इसके डिस्कशंस में हमें हेल्प करना था सेंटेंस लिखना था इसके लिए तो इस तरह से हमने इसको डिस्कस कर दिया और फिर ये चैप्टर अब कंप्लीट भी हो गया है ठीक है तो चलो अब देखते हैं क्या शुरू करते हैं ठीक चलो हो गया